बाबू रे, महापुरुषंकर ये सतर्क निर्घंट विश्व जगत को चेतावनी, ये विश्व दरबार रे जीवटी ता मधरे श्रेष्ठ होची मानव। यही मानव ये कली जुगरे क्यों भावरे बुद्धि विवेक हराई आज सर्वराई पड़ुची। बुद्धि विवेक कौशल ज्ञान आज सर्वहरा। से महापुरुष कहले धन्य रे कलीजुग मानव, तो पाई सतर्क घंटी टे सतर्क भविष्यवाणी। ए भविष्यत मालिका कहे कौन कहे बाबू रे, तू सतर्क हबुनी। जदि सतर्क न हबु आग को अनेक विपद तो पाई अच्छे। से विपद गुड़ी को कौन कौन ए विश्व रे घटिबो सेति पाई महापुरुष उत्कल वैष्णव परम ब्रह्म स्वरूप नेमाल बटपुट आसे से कहते तांकर अति प्रिय शिष्य रामदास। रामदास को बुझेकरी कहते धनरे देखे तो पाई जो ये भविष्य बाणी मान मुझे ए सबू तू गुप्त रखिबू, समस्ते परिहास करिवे। समय देखी ए विश्व जगत रे चेतावनी देव। महापुरुष अच्युतानंद तांकर प्रिय शिष्य रामदास को कहते ए श्री गुरु गुप्त कहती अच्युत आगण रे व्रजत नई। ए श्री गुरु गुप्त कहती अच्युत शुण आरे व्रज सुत ए कलीर आगत करुची उकत रखिब एहा गुप्त। बाबूरे, महापुरुष अच्युतानंद रामदासंकर गुरु गुरुदेव परम ब्रह्म अनादि स्वरूप ठाकुर राजहंस नेमाल बटर राजहंस रामदास को कहिले गुरु भंडारर गुप्तवाणी। से गुप्तवाणी मध्यरु महापुरुष अच्युत कहते बाबूरे ब्रजसुत रामदास को ब्रजसुत बोली कहा जाए। ताको महापुरुष अति श्रद्धार कहते ब्रज सुत। महापुरुष कहले जो भविष्य गुप्त कथा तो ते मु कहुची तुआकु गुप्त करी रखिबु नहले कली रे सब परिहास करिवे। सेथिपाई महापुरुष अच्युतानंद दास जी रामदास को अनेक कथा कहिछन्ते। ई होचे चंद्रकल्पटिका, चंद्रकल्प भविष्य कली मालिका चंद्र टीका। किंतु समय आसीबो दिने ए मालिकार वचन आन हबनी। से समय को तुके तले करू डाक बजे ए कथा गुड़िक ग्रंथ माध्यम सब कह। से महापुरुष रामदास को ए मालिका वचन गुड़िक कहते कहीं रे ख्यात न करिबुकु मोर एहिटि भविष्यवाणी। करम कसण पड़िब विश्वरे शुण आरे ब्रजमणि।
ବାବୁରେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଅନେକ କର୍ମ କୌଶଳ ପଡ଼ିବ, କର୍ମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେଉଁଠି ଖ୍ୟାତ କରିବୁନି, ତୋତେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏ କାହିଁରେ ଖ୍ୟାତ ନ କରିବୁ କୁମର ଏହିଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଏ କର୍ମ କଷଣ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱରେ ଶୁଣ ଆରେ ବ୍ରଜମଣି। ବାବୁରେ, ସେ କର୍ମ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ, କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହବ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଆରେ ସେମାନଙ୍କର ବିତ୍ପାତ ଘଟିବ, ସେ ବିତ୍ପାତ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଦିଗପାଳ ଏବେ ଦିଗନ ପାଳିବେ ମୌନ ହେ ବେଟି ରହି, ବାବୁରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦଶଟି ଦିଗ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନି ବାୟୁବ୍ୟ ଐଶାନ ନୈଋତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏ ମଧ୍ୟମରେ ଜୀବଜଗତ ବିଚରଣ କର।